वेरिफिकेशन सब कुछ कंप्लीट हो गया, उसके डिटेल सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी जो सारे पीआर पार्सल थे और शादी के कुछ और गिफ्ट थे वो भी हमने यहीं पर रख दिए, इसे अनबॉक्स कल करेंगे, आज टाइम नहीं मिला, थकान भी बहुत ज्यादा हो गई है। ये वाला पोर्शन ऐसी कैसी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं ऐड किया है, मैं आपको सबसे पहले भी किचन से दिखाती हूँ, सेट नहीं है, लेकिन जो जो चेंजेस किए हैं मैं आपको चेंजेस के लिए दिखा रही हूँ। अब आप कुकिंग करोगे, आपको लिख के आता है रेसिपी पे 15 मिनट 20 मिनट, तो आपको पता होना चाहिए। उसके लिए हमने यहाँ पे लगाई है ये घड़ी, ये हमने ली थी मार्केट 99 से, ये भी लिया था। तो जो डब्बे बाहर रखे थे जो मसाले के डब्बे, ये सारी चीजें अभी हमने इसके अंदर यहाँ पे इसको ढाक के रख दी है। आईकिया से हमने ये लिया था लेकिन हमने शायद गलत जगह लगा दिया, क्योंकि अब हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम इसमें रखें क्या ऊपर। तो आप लोग हमें प्लीज सजेस्ट करना कि ये हमने यहाँ लगवा के गलती कर दी, हम इसे हटा भी नहीं सकते क्योंकि टाइल्स में हो गया छेद, फिर वो गंदा लगेगा। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपको जैसे कि पता है खालिद नियाज़ की जो फैमिली वगैरह है वो भी मुंबई में आती है और रहने का मसला होता है, और जो है सबा का इब्राहिम का जो घर है सबा का, जहाँ वहाँ पर जो है खालिद नियाज़ की फैमिली जो है ठहरती है, और जो है वो फ्यूचर में खालिद नियाज़ वगैरह जब वो बिज़नेस वगैरह करेंगे दोनों मिलकर सबा और खालिद, तो वो यहाँ पर ही रहेंगे, जिसके लिए सबा इब्राहिम ने जो है वो अपना घर जो है बिल्कुल अच्छे से डेकोरेट करा है। पूरी की पूरी डेकोरेशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और देखिए पूरी पसंद कीजिए, और इनका जो है वो न्यू लुक घर का कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए इनकी वीडियो में ही चलते हैं और आप ज़रूर इन्जॉय करें, और सब इब्राहिम कैसे लगते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे इसको याद के लिए रखा है, शादी गिफ्ट में मिला था तो इसके अंदर हमने यहाँ पे कैंडल डाल के रख दी है, और ये सभी अभी मिले थे, इनको अच्छे से डेकोरेट करके अलग अलग जगह पे, लेकिन अभी के लिए ये कुछ इस तरह दिख रहा है। तो आईकिया से हमने बहुत पहले जब पूरे घर का डेकोरेशन का सामान ले रहे थे ये सारी चीजें ली थी, तो आज हमने यहाँ पे किए थे ये टांग दिया है। यहाँ पे जैसे बालकनी में कभी बैठ रहे हो तो यहाँ पे जो लुक है ना वो थोड़ा सा अच्छा आएगा, तो ये अलग से है और ये अलग है, इनको टांग दिया इस तरह। इसमें कैंडल भी लगा सकते हैं एक्चुअली। यहाँ पे सब कुछ क्लीन हो गया लेकिन अभी यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करे हैं, मुझे ना यहाँ पे एक लाइट चाहिए एलईडी लाइट, वो इंशाल्लाह हम बुलाएंगे भैया को लगवाएंगे। और ये सारे कपड़े हैं एक्स्ट्रा, कुछ मौदा लेके जाने को सबको देने हैं, कुछ हमें टेलर भैया को देना है। ये रूम में कोई भी चेंजेस नहीं करे, इसी तरह इसके कर्टन हमें स्पेशली कुछ अलग तरीके से बनवाने हैं, लेकिन यहाँ पे आज रॉड लगवा लिया क्योंकि सनी स्पेशली बोल के गया था कि रॉड लगवा लेना, कर्टन होना चाहिए घर पे। तो अभी सबसे अच्छा अगर मेजर सब इब्राहिम के ये होम टूर की वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलूंगे आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।